पेपर लीक मामले में ईओयू के एडीजी दिल्ली तलब किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, ईओयू के एडीजी नय्यर हसनैन खान अब दिल्ली जाएंगे, नीट पेपर लीक में जांच की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को देंगे। बिहार में ईओयू नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है और ईओयू की जांच में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ये ईओयू के जो एडीजी हैं वो दिल्ली जाएंगे और इस पर रिपोर्ट जो है वो सरकार को, केंद्र सरकार को सौंपेंगे। और ये बड़ी खबर इस समय की मिल रही है। प्रशांत, क्या अपडेट इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं नय्यर हसनैन खान, उनको शिक्षा मंत्रालय के तरफ से बुलाया गया है और जो अब तक की जांच का रिपोर्ट है वो रिपोर्ट वो सौंपेंगे और वो बताएंगे भी कि एनटीए से किस तरह से उनको अभी तक इग्नोरेंस मिला है, जो एनटीए से वो जो उम्मीद करते थे, जो जानकारियां चाहते थे ताकि इस पेपर लीक मामले का पूरा खुलासा हो सके कि ये पेपर लीक है या नहीं है, लेकिन एनटीए ने उनको मदद नहीं दी थी। लेकिन उसके बावजूद वो जांच में जुटे हुए थे। अब तक 13 लोगों की उन्होंने गिरफ्तारी की थी और जो इसमें आरोपी लोग हैं उनके तमाम के बैंक अकाउंट्स की भी जानकारी ली थी और तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो लेकर के वो दिल्ली जाएंगे और इस वो वहाँ जाके शिक्षा मंत्रालय के सामने वो पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे और आगे भी इस जांच को बढ़ाने के लिए वो एनटीए की मदद भी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।